Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर ट्यूटोरियल्स। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पावर। सो लेट अस सी द न्यूमेरिकल्स। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जिसे इस वीडियो की ज़रूरत होगी। सो लेट स्टार्ट द न्यूमेरिकल। कैन वी गेट मोर हीट इफ़ द 6 meter लॉन्ग वायर इज कट इन टू हाफ ऑफ इट्स साइज with the initial resistance of 24 ohm and a potential difference of 220 volt। yes, अब यहाँ हमें find out करना है कि अगर कोई भी एक वायर होगा उसको हमने हाफ किया या दो पीस में किए तो क्या वो जो वायर जो हमने छोटा किया था उसमें ज़्यादा हीट आएगा या नहीं आएगा। तो हम पहले इनिशियल कंटेंट देखेंगे, राइट। इन्होंने कहा है मोर हीट। नाउ मोर हीट कब होगा या हीट कभी प्रोड्यूस होगा? जब उसमें पावर होगा। तो इन शॉर्ट हमें पावर फाइंड आउट करना है। यस, अब पावर किसका फाइंड आउट करना है? एक तो पहले जो स्टार्टिंग में जो रियल्स का मेजरमेंट था जैसे वायर का उससे रिलेटेड और फिर बाद में उसका हाफ। अब यह ध्यान रखना है कभी भी अगर जो भी वायर होगा उसको हम जितना हाफ करोगे या उसको जितना शॉर्ट करोगे या कितने परसेंट में उतना उनका रेजिस्टेंस भी कम होगा। अगर रेजिस्टेंस नॉर्मल वायर का 10 होगा और उसको हमने हाफ किया तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 5 ohm। तो यहाँ रेजिस्टेंस उन्होंने कितना दिया है? 24 ohm। तो अगर वायर को हमने हाफ किया तो जो कट वायर होगा या कटेड वायर होगा तो उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ohm। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। यस, सो गिवन, so what is given? Yes, now for the what the real wire या the original wire, for original wire for original wire yes, now we have to find what heat से related है, the power। तो we have to find the P। so P का formula क्या है? P is equal to V square upon R। तो हमें V और R चाहिए। तो V क्या है हमारा? तो V is equal to how much? 220। तो यू लेट 220 volt। एंड रेजिस्टेंस डेट इज R, R is equal to 24 ohm। ना जैसे कि मैंने कहा था पावर का फॉर्मूला है P is equal to V square upon R इज इक्वल टू वॉट इज वी? 220। सो राइट 220 का स्क्वायर अपॉन आर, डेट इज 24। नाउ 220 का स्क्वायर, सो 220 मल्टीप्लाई बाय 220, सो वी गेट 4840। यस, 22 का स्क्वायर होता है 484, एक जीरो का डबल हो जाएगा 20 अपॉन 24 इज इक्वल टू, सो व्हेन यू डिवाइड इट वी गेट हाउ मच? 2016.66। तो यहाँ लिखना है हमें 2016.66, दैट इज द वॉट वॉट ऑफ अ ओरिजिनल वायर। ये है हमारा पावर। नाउ फॉर द वॉट कटेड वायर। यस, फॉर वॉट कट वायर, वायर को कितने उन्होंने कट किया? हाफ में। तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ। पर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सो वी इज इक्वल टू वॉट? 220 volt। आर इज इक्वल टू 12, ठीक है, बिकॉज 24 था तो 24 का हाफ हो जाएगा 12।
एंड द फॉर्मूला विल बी सेम, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. सो 220 का स्क्वायर अपॉन आर, आर इज वॉट 12. यस 220 का स्क्वायर एज इट इज सेम है, हम लिखेंगे 484 00 अपॉन 12. यस देन डिवाइडेड बाय 12, सो यू विल गेट 4033.33 वॉट. यस तो चेक नाउ ओरिजिनल वायर में कितना होगा 2016.66 वॉट, वेयर एज कट वायर में कितना होगा 4033.33 वॉट. यस किस में ज़्यादा है, कट वायर में. इसका मतलब है वी गेट वॉट मोर हीट इफ द वायर इज कट इन टू हाफ. देन द फाइनल आंसर राइट, we get more heat from the cut wire ya cutted wire. Here we completed the numerical. Now if you like my video, do click like button, comment, subscribe and share it with your friends, relatives, neighbors or a person who needed the most. Thank you.